स्वागत है दोस्तों आप सभी का भारत दस्तक के YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ। पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 6-7 दिन से तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं आई। भैया मैंने कुछ भाई लोग मैं कुछ काम पे चल रहा था, मैं कुछ काम कर रहा था और मैं अब न्यूज़ चैनल के साथ साथ मतलब न्यूज़ देने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस भी दिखाना चाहता हूँ जो हमारे मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों ऐसी प्लेस में जो सबसे पहली प्लेस यहाँ पर जो निकल कर आ रही है वो है सत्यधारा। शायद आप लोगों ने बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। आप लोग अधिकतर सांची के बारे में जानते होंगे, लेकिन सांची से लग के ही सांची से कुछ क्या बोलते हैं 15-10 किलोमीटर पीछे ही एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी बुद्धिस्ट प्लेस कह सकते हैं इसको आप, जिसका नाम है सत्यधारा। थोड़ा जंगली एरिया है, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ये है। और यहाँ पर जो बुद्ध के, जैसा कि आप देखते हो सांची में जो स्तूप से, वैसे यहाँ पर बुद्ध के छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं जो अशोक सम्राट ने बनाए थे, जो मौर्य काल में बने हुए। अशोक सम्राट आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों इस जगह की जानकारी देने के लिए यहाँ पर ही एक बोर्ड भी लगा हुआ है, दो बोर्ड लगे हुए हैं, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में है। हिंदी में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बौद्ध स्मारक सत्यधारा। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि भैया इस जगह की खोज किसने करी थी और इस जगह को बचाने का काम किसने किया। तो यार इस जगह की जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, इस जगह की जो सत्यधारा है, इस प्लेस की खोज करी थी जनरल अलेक्जेंडर कलिंगर ने इस जगह की खोज करी थी। उन्होंने यहाँ पे अस्थियाँ खोजी थी। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे सारिपुत्र जो भगवान गौतम बुद्ध के मेन शिष्य माने जाते थे, सारिपुत्र और महामोगल्यान की अस्थियाँ यहाँ पे मिली थी और सांची में भी मिली थी। आपको पता होगा कि नवंबर के लास्ट संडे में एक यात्रा एक मेला भरता है और वहाँ पर सारिपुत्र और महामोगल्यान की अस्थियाँ निकाली जाती है। वो कार्यक्रम के बारे में तो आप जानती होंगे, लेकिन आपको ये बहुत कम लोगों ने बताया होगा या इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी, सारिपुत्र और महामोगल्यान जी की अस्थियाँ यहाँ सांची में तो मिली थी लेकिन यहाँ पर भी कुछ अस्थियाँ मिली थी एक ताबूत में बंद, और इसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर कलिंगर ने। नाम याद रखना दोस्तों, अलेक्जेंडर कलिंगर। और दोस्तों इसका जो कंजर्वेशन कहे तो हम बचा के रखना आने वाली पीढ़ी के लिए, वो पता किसने करा था, उनका नाम था जनरल मार्शल। उन्होंने इसको कंजर्वेशन किया, इसको बचाया आने वाली पीढ़ी के लिए। हम ये स्तूप देख पा रहे हैं, इतना शानदार स्तूप देख पा रहे हैं, तो इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो जनरल मार्शल को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इसको बचाया है। इसकी खोज तो जनरल अलेक्जेंडर कलिंगर ने करी थी लेकिन बचाने का काम मार्शल जी ने करा है। तो ये जो सत्यधारा जगह है, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है हलाली नदी, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको वैशाली नदी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नदी है देखिए आप, कितनी शानदार और सुंदर नदी है। ये कम से कम यहाँ पे 2-4 मंजिलें नीचे बनी होगी, आप देख पा रहे होंगे, देखिए अच्छे से लोकेशन बहुत प्यारी है। दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों यार किसी मूवी की शूटिंग भी हो सकती है, बहुत प्यारी जगह है। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि नदी कितनी सुंदर है। दोस्तों ये देखो, ये रहा मेन स्तूप, जो सत्यधारा जो प्लेस है वहां का जो मेन स्तूप है, जो मुख्य स्तूप है ये रहा। यहाँ पे देखो एक छोटा सा कमरा टाइप दिख रहा है, एक गेट भी लगा हुआ है आप देख पा रहे हो वीडियो में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जाली लगा दी है। यहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे बात करते हुए ऐसा लगा कि इसके अंदर मेडिटेशन होता है। उन्होंने बताया कि इसके कमरे के अंदर छोटा सा ब्लॉक टाइप कैमरा बना हुआ है जिसके अंदर मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ पे जाली लगी हुई है, गेट अंदर लगा हुआ है वो भी लॉक है। अब दोस्तों चलिए इस स्तूप के बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूँ। इस स्तूप की जो मेन बात है भाई लोग, वो ये है कि इस स्तूप के अंदर ये इस जगह पे सत्यधारा जो प्लेस है, यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के जो मेन शिष्य थे, यानी कि उनके जो करीब के शिष्य थे सारिपुत्र और महामोगल्यान जी, उनकी अस्थियां प्राप्त हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि भैया वो तो सांची में है और सांची उस जगह के लिए फेमस भी है, लेकिन बात यह है कि सांची में कुछ अस्थियां प्राप्त हुई थी और कुछ अस्थियां यहाँ पर भी प्राप्त हुई थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से प्राप्त हुई है। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बुद्धिस्ट प्लेस है, एक जंगली एरिया में है, फॉरेस्ट लैंड के अंदर आती है और बहुत ही सुंदर जगह यार। अगर आप भोपाल के आसपास रहते हो और मध्य प्रदेश में बुद्धिस्ट प्लेस घूमना चाहते हो या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस घूमना चाहते हो तो यहाँ पर आओ यार एक बार और आके यहाँ का आनंद लो। चलो तो अपन लोग स्तूप के ऊपर चलते, देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ है, हम यहाँ पर स्तूप के ऊपर जा सकते हैं।
सांची में यार, सांची में ऐसी सीढ़ियां जो बनी है वो अभी तो बंद कर दी गई है, जहां तक मुझे लगा। मैं पिछली बार जब सांची गया था तो ऐसे ऊपर जाने के लिए बंद कर दिया है। अब देखो यहाँ पर स्तूप के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और ये स्तूप पास से कुछ इस टाइप का दिखता है। देखो इसको अपन हाथ लगा कर देखो, बहुत शानदार पुराने जमाने के पत्थर है, अशोक काल, मौर्य काल, इस समय के ये पत्थर है। इन सही में इन चीजों से ये बना हुआ है और अभी तक टूटा नहीं है यार, सबसे पहली बात तो ये है। और आप देखोगे तो अभी भी बहुत मजबूत है, मैं देख पा रहा हूँ। आप भी कभी आओगे तो यहाँ पर देख पाऊंगा कि बहुत मजबूत है अभी भी। जैसा कि दोस्तों अगर आपने बौद्ध धर्म को कभी पढ़ा हो और जाना हो तो आपको पता चलेगा कि सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे भारत के अंदर, जो अभी लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उनमें से सत्यधारा एक ऐसी जगह है जो लुप्त होने के कागार पर है, यहाँ पर बहुत कम आते हैं। आज भी छुट्टी का दिन है लेकिन यहाँ पर बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही है। हम 3-4 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे शूटिंग करने आए हुए हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। पर्यटक ऐसा आता हो तो मैं, अगर आप अच्छी चीज देखने का शौकीन है और हिस्टोरिकल प्लेस जानना चाहते हैं तो भाई लोग सत्यधारा आइए, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको बता नहीं सकता वीडियो के अंदर कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। लोग यहाँ पर हमारे एक दोस्त मिल गए, इनका नाम है निरंत, और यहाँ पर ये सत्यधारा घूमने आए। भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर आओ? यहाँ पे मैं चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोग आए और इस प्लेस को मतलब देखें। हाँ देखो ये बुद्धिस्ट प्लेस है, आपको पता होगा सम्राट अशोक ने इसको बनाया है। 84,000 बौद्ध स्तूप का उन्होंने स्थापना की थी, उनमें से एक है। यहाँ पे सारिपुत्र और महामोगल्यान उनकी अस्थियां यहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो यार लोग देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत कम लोग आए हुए। आप छुट्टी का दिन है, साफ से बताऊंगा इस बारे में, मुझे मैं भी पहली बार आया हूँ इस जगह पे तो ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे इस जगह के बारे में। लेकिन आप कहना चाहूंगा आपको देख के कि कैसी प्लेस है ये? बहुत अच्छी जगह है, आना चाहिए यहाँ पर लोगों को। बोलो वीडियो में कि आओ भाई यहाँ पर, लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे बनाया था ये अशोका जी ने। थैंक यू। आप ऐसे छोटे और बड़े स्तूप मिलाकर यहाँ पर कुल 27 स्तूप है। ये देखो यार यहाँ पर पुराने जमाने के पत्थर पड़े रखे यहाँ पर, आप यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। एक पिकनिक स्पॉट टाइप है, यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ आइए, पिकनिक बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, वहाँ पर भी पिकनिक बना सकते हैं। और दोस्तों बहुत मजा आएगा अगर आप एडवेंचर लाइफ जीना चाहते हैं और एडवेंचरिस्ट है और एडवेंचर करना चाहते हैं यहाँ पर आइए। यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए भी बहुत सारी जगह है जहाँ आपको बहुत मजा आएगा। ये सिटी अरेंजमेंट के लिए जो बनाया गया है, जो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर आप इसके अंदर आकर आप बैठ सकते हैं और अपने दोस्त के साथ गप्पे मार सकते हैं। और देखिए पीछे जंगल है, बहुत शानदार जंगल है, मैं पहले भी इसकी तारीफ कर चुका हूँ। और यहाँ पर टोटल 27 स्तूप है जिसकी यहाँ पर खोज की गई थी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी छोटी छोटी बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, मजे ले सकते हैं यहाँ की वादियों का। और अभी सामने हमारे अंजल भैया जा रहे हैं जो तथागत लाइव चैनल चलाते हैं। अगर आपने अभी तक तथागत लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो और मेरा भी कर लो यार, ये वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि आगे आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी न्यूज़ जो कि लॉयल न्यूज़ है, जो कि सच्चाई से भरपूर है, और ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस जो आपको कोई नहीं दिखाने वाला, मैं आपको दिखाऊंगा हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मैं ऐसे ब्लॉग और बनाऊँ क्या, या आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। दोस्तों ऊपर मैं एक पोल करूंगा, आप पोल पे जाके ना बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और ऐसे ब्लॉग में कंटिन्यू बनाऊँ क्या, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस जो आप नहीं जानते हैं वो आपको दिखाऊँ क्या। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।